मैं सिर्फ ये मौका दूंगी आपको, नारे भड़काऊ कौन से लगे हैं बताइए। मैं चाहती हूँ देश का हर एक बाशिंदा आज आज उन नारों को सुने। कौन सा नारा लगा है राम नवमी के जुलूस में, किस कौन सा भड़काऊ नारा लगा है मुझे बता दीजिए असीम वकार साहब। एक घंटा है हम लोग, एक घंटा आप सुनाइए। मैं चाहती हूँ कि देश सुने वो नारा। के शर्मा साहब, मैं अपनी भड़काऊ नारे लगे मैं अपनी जबान और इसीलिए पत्थरबाजी हुई मस्जिदों के सामने जाकर चिढ़ाया गया, परेशान किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आपने पहले ही प्रश्न जब रूबिका जी पूछा तो वकार साहब का जो है जवाब आप सुन चुके हैं। आपने पूछा कि आपके नेता ने कहा कि रामनवमी को जो है एजेंडा वो बनाया गया, तो उन्होंने कहा आप मत मानिए, हम तो बोलेंगे, हमारा बोलना काम है, हमको तो जहर बोलना है। फिर आपने दूसरी लाइन उन्होंने क्या कही कि जो है माइनॉरिटी इलाके से ले गए, मतलब हर शहर को, इस बात से इनकी मानसिकता देखिए कि हर शहर हर गांव को इसलिए बांट दो कि यहाँ पर माइनॉरिटी रहता है, यहाँ पर जो है बहुसंख्यक रहता है। मतलब इनकी जो है मानसिकता ही इससे समझी जा सकती है कि ये कितने जो है विभाजनकारी मानसिकता के व्यक्ति हैं और कितने बड़े विभाजनकारी मानसिकता को लेकर ये चलते हैं। ये शहर और गांव को बांटने में लग गए हैं कि इसको बांट दीजिए, ये साहब मुस्लिमों का इलाका है, अल्पसंख्यक इलाका है, ये फलाना इलाका है। फिर जब आपने नारे की बात की तो ये जो है इधर उधर चक्कर काटने लगे क्योंकि इनको समझ नहीं पड़ रहा, झूठ बोल रहा हूँ कहाँ से बोलूँ, कुछ है नहीं मेरे पास कहने के लिए, तो कह रहे मैं पुलिस नहीं हूं। इससे आप समझ सकते हैं रूबिका जी कि ये जो है इनका काम इसी तरह के हिंसक बयानबाजी करके, जो इनके नेता भी करते रहे हैं, समाज के अंदर कैसे जो है फूट बंटवारा करना है, कैसे फूट पैदा करना है। शर्मा साहब, मैं आपको बात कहता हूँ निश्चित। ABP News, आपको रखे आगे।